चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। तो क्या राम का नाम लेकर राजनीति के रण में उतरती रही बीजेपी अब भगवान शिव और कृष्ण को भी अपना सारथी बनाएगी? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे 2022 के चुनाव का समय करीब आ रहा है, बीजेपी की ओर से अयोध्या, मथुरा और काशी की कड़ियों को बखूबी जोड़ा जा रहा है। तेरह दिसंबर को तो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था। 225 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए। अकेले पीएम मोदी ही नहीं, काशी में तो सपरिवार रहेगी पूरी सरकार, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग काशी में होगी। 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। 17 दिसंबर को देश भर के महापौर का सम्मेलन भी काशी में ही होगा। किसानों से संवाद होगा। इधर यूपी चुनाव से पहले मथुरा पर भी अपने अरमानों को हवा में लहरा ही रहे हैं बीजेपी नेता। केशव प्रसाद मौर्य इशारों इशारों में इरादा जता ही चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा अयोध्या के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जनता को याद दिलाना नहीं भूल रहे। हमने तब कहा था कि भाजपा आएगी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी कराएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं चुनावी बिसात पर अयोध्या, मथुरा और काशी की बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। विपक्ष का तंज है कि डबल इंजन वाली सरकार धर्म के बजाय अपनी उपलब्धियों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। आरोप है कि ये सब तो ध्रुवीकरण की तैयारी है। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां एजेंडा सेट करती दिख रही है, वहीं विपक्ष के लिए समर्थन और विरोध दोनों की मुश्किल चुनौती है। अवध, पश्चिम और पूर्वांचल की परिधि में इन तीनों धार्मिक स्थलों का राजनीतिक महत्व भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अयोध्या, मथुरा, काशी पर बीजेपी के इस प्लान को लेकर सवाल ये है कि क्या अब की बार त्रिदेव बनाएंगे सरकार।